नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं शाम के, तो सुबह के 8:30 अभी हो रहे हैं और मैंने मॉर्निंग रूटीन सारे ख़त्म कर लिए हैं और मैंने सिर्फ लंच नहीं बनाया, बाकी सारे मेरे मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए मैं अभी जा रही हूँ फ्रिज में पानी रखने के लिए। तो बहुत बहुत दिनों से, क्या मतलब कि 2 साल तो हो ही गए होंगे, 2-2.5 साल जब से कोरोना आया है उस समय से हम लोगों ने फ्रिज का पानी ही नहीं पिया है, सिर्फ बॉयल पानी एकदम गर्म करके, अब मतलब गर्म गर्म ही पानी पीते थे और मतलब नॉर्मल पानी भी नहीं पीते थे, सिर्फ गर्म पानी। तो अभी मतलब कि इस मौसम में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस वजह से मैं फर्स्ट टाइम फ्रिज में जा रही हूँ पानी रखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बोतल, तो इसी में भी मैं पानी भरूँगी। तो ये फिल्टर में पानी भरूँगी, तो इस फिल्टर में पानी में जो नल से आता है पानी तो उसको मैं पहले बॉयल करती हूँ, उसके बाद छान के इस फिल्टर में रखती हूँ। तो अभी निकाल कर और इसमें भरूंगी। और पहले तो जब कोरोना ये सब हो रहा था तो उस समय मैं क्या करती थी कि पहले पानी को बॉयल करती थी, उसके बाद फिल्टर में डालती थी, फिर फिल्टर से निकाल के फिर इसको गर्म यानी बॉयल करती थी। फिर एक मेरा मिल्टन का थर्मस था उसमें मैं रखती थी, मतलब कि गर्म ही पानी यूज करते थे हम लोग और उसी को मतलब 2-2 बार गर्म करके, तो इससे सारे कीटाणु भी मर जाते थे, कीड़े, और हेल्दी भी रहता था। तो और हम लोग को कुछ मतलब कि इतना भी बीमारी भी मतलब कि बीमारी से बचने के लिए इससे करते थे हम लोग। तो अभी जा रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम ये पानी, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं और आते समय मतलब कि उन लोग को ज़्यादा गर्मी लगती है, तो थोड़ा ऐसे तो नॉर्मल पानी देती हूँ पर आते समय थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहती है 2-3 बजे तो ठंडा पानी खोजते हैं। तो इस वजह से भी मैं अभी पानी भरूँगी ये इससे फिल्टर से। तो चलिए भर लेती हूँ और आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और फुल वॉच कीजिए। आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं फ्रेंड, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारे बोतल में पानी भर लिया है और ये मतलब कि लगभग अब ख़त्म होने चला, फिल्टर में पानी ख़त्म हो गया था। तो 4 ही बोतल में भरती हूँ, एक बोतल रख देती हूँ। और यहाँ पे जो पीछे देख रहे हैं वो वेजिटेबल है तो उसको मुझे अभी वॉश करना है वेजिटेबल को, और उसके बाद फिर मैं फ्रिज में रखूँगी उसको भी वॉश करके, कुछ देर के लिए मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं बोतल भर गया है और एक बोतल बच गया मेरा। तो अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं फ्रिज में पानी रखने के लिए। तो इस तरह से मैं रख देती हूँ, मैंने 2 रैक बनाए हुए फ्रिज में तो दोनों में मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर और यहाँ पर टीवी ऑन ही था और कोई नहीं रहता है तो मैं इसी तरह टीवी ऑन करके और छोड़ देती हूँ, अब कुछ बोलते रहता है तो सुनते रहती हूँ और ऐसे अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ ये वेजिटेबल को वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से वेजिटेबल जो साग है ये सब को भी मैं वॉश करूँगी, आलू ये सब, अभी तो प्याज लहसुन ये सब नहीं आ रहे तो प्याज लहसुन को तो मैं ऐसे भी वॉश नहीं करती, पर जो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं उसको मैं वॉश करती हूँ। और ये जो आलू होते तो आलू में आप देखते होंगे कितने सारे मिट्टी लगे रहते हैं
और ये बहुत ही गंदे रहते हैं आलू, तो इसलिए मैं उसको वॉश करके ही रखती हूँ। और ये सब वेजिटेबल तो ऐसे भी वॉश करके ही रखना चाहिए। तो देखिए ये टमाटर वगैरह है, तो मैंने उसी में जो बेसिन है उसी में सारे मैंने डाल दिए थे, उसके पानी मतलब कि पूरा तक, और फिर धो धो कर और रख रही थी उधर साइड में। यहाँ पर देख सकते हैं ये खिड़की से कितनी सारी सनलाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने पर्दे भी लगाए, फिर भी पर्दे से ही और आ रही है। तो गर्मी के दिन में मतलब दोपहर में लंच बनाने में बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सुबह में तो ठीक लगता है और रात में भी ठीक लगता है, पर जब दोपहर में लंच बनाना रहता है तो एकदम गर्मी से बहुत हालत ख़राब हो जाती है, पूरा पसीना आने लगता है। तो देखिए ये, और फिर देखूँगी डार्क वाला पर्दा कर्टन यहाँ पे लगाऊंगी तो थोड़ा कम लाइट आएगा। ऐसे आता है तो फिर वीडियो में भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। और यहाँ देखिए मैं आलू को वॉश कर करके रख रही हूँ इस टोकरी में। देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश करने के लिए दिए हैं मशीन में, तो अभी मैं इसको वॉश कर देती हूँ पानी से। तो देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं यहाँ पे कपड़े वॉश करने के लिए, और इसको मैं वॉश कर दूँगी। और यहाँ पे ये ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे, क्योंकि अभी मैं डेली रेगुलर धो दे रही हूँ, कुछ न कुछ हाथ से भी धो दे रही हूँ साड़ी वगैरह, इसलिए उतने ज़्यादा कपड़े नहीं हो रहे हैं। और गर्मी के दिन में वैसे भी थोड़े कम होते हैं, और विंटर में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कपड़े वॉश करते करते। और अभी गर्मी के दिन में तो दो तीन कपड़े ऐसे ही निकलते हैं, और विंटर में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो देखिए ये मैंने कपड़े वॉश कर लिए हैं। देखिए मैं आ गई हूँ ये साग लेकर, तो अभी मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने जो पानी बैठा दिया है लंच के लिए, और यहाँ पे मैं ये साग रख लूँगी यहाँ पे। तो इसको चुनना पड़ता है और तोड़ना पड़ता है अच्छी तरह से। तो ये एक रेड वाला जो गिनहारी साग होता है वो है, और एक ग्रीन वाला है। तो इस दोनों को मैं मिक्स करके बनाऊंगी। तो इसमें लहसुन प्याज मैं ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ इसी तरह से मैं मिर्च देके, लाल वाले मिर्च देके मैं बनाऊंगी। तो अभी मैं इसको साफ कर लेती हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी इसको। तो यहाँ पे मैं टीवी भी देखते रहूंगी, क्योंकि घर में कोई नहीं है तो अकेले अकेले मन नहीं लगता है। बच्चे रहते थे तो थोड़ा ठीक लगता था, तो इस वजह से यहाँ मैं टीवी के पास बैठ गई हूँ। उधर मेरा किचन में बैठ के करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, इस वजह से मैं यहीं पे बैठ के साफ करूँगी। तो अभी देखिए इस तरह से इसको तोड़ना रहता है। देखिए इसके ये रस्से हैं, उसको निकाल दिया जाता है और इसको इस तरह से तोड़ना रहता है। डंठल को मैं फेंक दूंगी। देख सकते हैं मेरे सारे साग खत्म हो गए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने निकाल दिया है। तो ये दिखने में इतना लग रहा है, थोड़ा सा हो जाता है जल कर। तो इसको मैं वॉश करूँगी अच्छे से, क्योंकि एक बार मैंने वॉश किया था, तो इसको फिर से वॉश करूँगी। और कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में
बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।